सो गाइस आ चुके हैं हम लोग नेवल म्यूजियम में, और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो एशिया का सिर्फ एक ही नेवल म्यूजियम है और ये इंडियन नेवी का म्यूजियम है गोवा के अंदर। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये पूरा इंडियन नेवी म्यूजियम का नज़ारा और क्या है यहाँ की एंट्री टिकट वगैरह। तो ये वीडियो चालू होता है, आप अगर चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारे गोवा के दूसरे भी वीडियोस हैं वो भी देखो। और हाँ, आज है 4th of December, इट इज़ इंडियन नेवल डे, सो वी आर हियर एंड विल सी। एंट्री यहाँ से होती है और यहाँ से 100 rupees पर पर्सन की टिकट है। सो एट द लेफ्ट यहाँ पर ये बड़ा सा इंडियन नेवी का जो एयरक्राफ्ट है ये दिखेगा। वहाँ पर सामने रखा है एक हेलीकॉप्टर, ये आई थिंक सो चेतक है, बट लेट मी कन्फर्म दिस। सी आई वॉज राइट, ये है चेतक। सो दिस इज अ हाईलैंडर और ये एक कार्गो एयरक्राफ्ट है और बहुत ही छोटा है। सो ये सब इन लोग ने एक बेसिक मॉडल्स रखे हैं यहाँ पर। सो ये जो गोवा का एयरपोर्ट है, इट इज़ अ नेवल बेस एयरपोर्ट और वहाँ पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है वो ऑपरेट होता है। सो जस्ट गोवा के एयरपोर्ट के पीछे की साइड पे है ये नेवल बेस म्यूज़ियम। सो ये है डो, जो कि एयरक्राफ्ट था विच इज फ्लू इन 1945। और ये देखो, तो यहाँ पर जो भी एयरक्राफ्ट नेवी ने यूज़ करे है वो सब रखे हैं यहाँ पर। शिप का भी डिस्प्ले होगा वहाँ पे आगे, तो वो भी देखेंगे। दिस इज़ नेवल म्यूज़ियम और यहाँ पर एयरपोर्ट के पास है। तो गोवा इज़ अ बेस फॉर, जो गोवा का INS हंसा है, दिस इज़ द बेस फॉर एविएशन। तो यहाँ पर नेवल एविएशन बेस है ये, और कंटिन्यू आपको यहाँ पर मिग जो है आसमान में उड़ते दिखेंगे। जब आप यहाँ पर वास्को में आओगे तो आपको लिटरली मिग का बहुत लाउड जो साउंड है वो आपको सुनाई देगा। सी दिस, ये जो मेरे पीछे है जो Kemo-25, तो ये एक रशियन हेलीकॉप्टर है और ये मैंने काफ़ी बार देखा है गोवा के आसमान में। और इसकी जो आवाज़ है बहुत ही ज़्यादा बेस भरी आवाज़ है, और इसमें एंटी सबमरीन डिटेक्शन, मतलब ये टॉर्पिडोज और बाकी सबको भी, मतलब ये, मतलब इट कैन अटैक। और इसकी स्पेशल यही जो इसकी है स्पेशलिटी। और इसके बाद अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़नी हो तो वीडियो पॉज करके आप ज़रूर देख सकते हो। सो दिस इज़ द Kemo-25। तो यहाँ पर जो है सब प्लेन्स, और ये वैम्पायर है, ये यूजेस, या सॉरी मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, तो एंड दिस इज़ आई थिंक सो द ड्रोन। तो ये देखो कितना कॉम्पैक्ट है ये हेलीकॉप्टर, एंड सी दिस, इसकी विंग्स जो है ना, ओके, इसकी जो विंग्स है ये देखो पूरी फोल्ड हो रही है। एलिस जिसका नाम है, दिस इज़ मोस्टली यूज्ड इन एयरक्राफ्ट कैरियर है क्योंकि दिस इज़ मोस्टली यूज इन एयरक्राफ्ट कैरियर, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर में प्लेन्स को रखने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए, इसलिए उसकी विंग्स जो फोल्ड हो जाए, तो देखो वहाँ पर भी है, तो ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो इसके लिए दिस आर मोस्टली यूज इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स। सो पीछे की ओर आते यहाँ पर है इन सब के इंजन्स। सो दिस इज़ आई थिंक सो दिस इज़ अ लाइट, दिस इज द चेतक इंजिन, द हेलीकॉप्टर चेतक। दिस इज NK-12 MP इंजिन, एंड ये जो पेगासस है उसका जेट इंजिन है ये। सी हाउ बिग एंड पावरफुल इट इज,
देखने से ही पावरफुल लग रहा है, क्योंकि उसकी डिज़ाइन देखो, ये दिस इज़ MiG-21, जो फ्रंट इंजन है मिग का, यू हैव सीन, ये देखो रॉल्स रॉयस का इंजन है ये, दिस इज़ अ रॉल्स रॉयस प्लेन। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जी ने उड़ाया था विथ फ्लाइंग कॉम्बैक्ट विथ F-16, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का था, और उसे मार गिराया था। तो ये वो प्लेन का इंजन है। सो हैव अ लुक टू दिस इंजन और फिर हम अंदर बढ़ते हैं। तो दिस इज़ द एंट्रेंस और यहाँ पर अभी हम अंदर बढ़ते हैं। विमान एयरक्राफ्ट, सो दिस आर ऑल द इंफॉर्मेशंस ऑफ द एयरक्राफ्ट। सो ये रूम है डेडिकेटेडली, सब एयरक्राफ्ट की इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। ये जो मेरे पीछे है ये बॉम्ब है भाई, सब उड़ा सकता है। सी दिस बॉम्ब 500 LBS, इसका ये है वेट, और ये 250 LBS। ये रूम है जहाँ पर सब इंफॉर्मेशन दी गई है, वॉर वन और सब ईयर वाइज सब इंफॉर्मेशन दिया गया। आप यहाँ पर आके आप पढ़ सकते हैं, यू कैन टेक योर टाइम एंड रीड योर, बहुत अच्छी तरह से। और देखो ये डायरेक्शंस कैसे बनाए गए, ये देखो, सी द ब्यूटीफुल टच ऑफ द डायरेक्शंस। तो यहाँ से जो है प्लेन गाइड कर रहा है आपको, एंड ड्यूरिंग दिस एग्जिट ऑल्सो द प्लेन्स आर गाइडिंग यू। दिस गोवा एविएशन पोर्ट इज नोन, दिस प्लेस इट इज़ नोन एज INS हंसा। तो सी दिस INS हंसा, इसका दिया। यहाँ पर जो है मिग जो प्लेन है MiG-29K, तो यहाँ पर काफ़ी उड़ाई होते दिखे गए। और एक P-81 जो है, दिस इज दैट, अगर शायद नाम में गलती होगा तो आ जाएगा स्क्रीन पे, और नहीं होगा तो नहीं आएगा। एंड दिस इज़ द डॉनियर, सी मिग डॉनियर, एंड दिस इज़ द हेलीकॉप्टर विच वी सॉ अर्लियर। सो INS हंसा जो है वो गोवा का जो बेस है उसे कहते हैं। सो ये इजेक्शन सीट है जो जेट प्लेन्स में यूज़ होता है, और यहाँ पर जो सेंटर में आप ये देख रहे हो, इसे खींचते ही सीट इजेक्ट हो जाती है। NTG-Force सूट, तो जी फोर्स जो फ्लाइट में लगता है, जो 10G या ये, तो एब्जॉर्ब कर लेता है, ज़्यादा जी फोर्स नहीं देता, ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगने नहीं देता। सी दिस आर द सीट्स, पीछे लाइट है इसकी वजह से आपको शायद दिखेगा नहीं। तो दिस आर द टॉर्पीडोज, इसे सबमरीन में फिट करा जाता है आगे और पीछे। सो दिस टॉर्पीडोज कैन बी गाइडेड बाय दिस प्रोपेलर्स, और एक टॉर्पीडो जो है वो पूरी सबमरीन डिस्ट्रॉय कर सकता है या पूरी शिप डिस्ट्रॉय कर सकता है दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस। सो इसकी स्पीड है 30 knots की, और जो है ये सब इंफॉर्मेशन है, 30 horsepower का कंपाउंड बॉम्ब है इसका, एंड दिस थिंग कैन डिस्ट्रॉय द होल शिप, दिस वन थिंग टॉर्पीडो। ये है वॉरशिप मॉडल INS कोलकाता, उसका मॉडल है ये, यहाँ पर रखा है, बिल्कुल ही एंट्री पर है ये। इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करता हूँ, होप सो आपको अच्छा लगा। और आज 4th December था, ये वीडियो मैं 5th December को अपलोड कर दूंगा, और होप यू लाइक इट। और अगर आप अगली बार गोवा हो तो आप ये गोवा नेवल म्यूजियम ज़रूर विजिट करना। और अब जो है मुझे निकलना पड़ेगा, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। Sorry, yeah, top of the world.